हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको मंत्रा का प्रॉक्सी सेटिंग बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप ये सेटिंग सीख जाते हैं तो आपका मंत्रा डिवाइस कभी भी काम नहीं करता है, तो आप इस सेटिंग से जो कि है उसको फिर से चालू कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, या फिर आपके APS में या CSC में या फिर DGPay में, मतलब जहाँ भी आप काम करते हैं, अगर आपका मंत्रा डिवाइस वहाँ पर काम नहीं करता है, आपने इंस्टॉल भी कर रखा है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कभी कभी बीच में आपका मंत्रा डिवाइस बंद हो जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक ही सेटिंग करना होता है। वो मैं सेटिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको ये सेटिंग बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें मंत्रा प्रॉक्सी सेटिंग कुछ इस तरह का आ रहा है। तो दोस्तों इसका एक ही समाधान है। सबसे पहले दोस्तों आपको, चलिए मैं एक APS, ये जो दोस्तों मेरा RNFI का रिटेलर ID है, अगर दोस्तों आप ये इसका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर ID लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं एक बैलेंस इंक्वायरी कर रहा हूँ अपना खुद का, तो यहाँ पे मेरा जो डिवाइस तो कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी स्कैन का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जहाँ पे मैं अपना थंब रखूँ और जो कि मेरा बैलेंस है वो शो करे। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब मेरा मंत्रा डिवाइस काम नहीं कर रहा है। तो इसी को चालू करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि कनेक्शन फेल्ड, या फिर लिख रहा है कि आपका डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा डिवाइस कनेक्ट है फिर भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है मंत्रा RD सर्विस पे, और दोस्तों मंत्रा RD सर्विस आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपने इसका ड्राइवर या फिर इसका क्लाइंट सर्विस वाला इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। अगर आपका इंस्टॉल है उसके बाद भी वर्क नहीं कर रहा है तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है, और सबसे ऊपर वाला लिंक है मंत्रा RD सर्विस, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला लिंक है मंत्रा RD सर्विस, ये नीचे वाला इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है मंत्रा RD सर्विस मंत्रा पे। तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा मांगता है, कैप्चा को आपको फिल कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको ड्राइवर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मंत्रा का ये जो ड्राइवर है, ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों आपको कौन से ड्राइवर डाउनलोड करना है, यहाँ पे दोस्तों सबसे फर्स्ट का, सेकंड वाला डाउनलोड MMS 100, यहाँ RD सर्विस वाला, ये आपको डाउनलोड करना है। और आपको एक और डाउनलोड करना है, वो सबसे नीचे है, ये मंत्रा का क्लाइंट सर्विस, ये दोस्तों आपको दोनों डाउनलोड कर लेना है। और ये दोनों डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपका ऐसा शो करता है तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास एक और उपाय है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नीचे आना है सर्च बार में, और यहाँ पे आपको सर्विस को लिखना है, सर्विस, जैसे सर्विस लिखेंगे दोस्तों आपको ऐसा आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है सर्विस वाला डेस्कटॉप ऐप। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों साइड में जितने भी ये आ रहे हैं, आपको कहीं भी टिप कर आपको M टिपना है अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पे स्टार्ट द सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और फिर से दोबारा समझाऊंगा, पहले इसको चालू हो जाने दीजिए। ये चालू हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे साइड में ये देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो लिख रहा है कि अटैच हो चुका है। तो दोस्तों कभी कभी हमारा ऐसा ही होता है कि डिवाइस काम नहीं करता है, लेकिन हमारा डिवाइस जो है हमारे CPU में अटैच रहता है, फिर भी हमारा काम नहीं करता है। तो दोस्तों आपको उस समय ये वाला काम करना है। अगर आपका प्रॉक्सी सेटिंग भी मांग रहा है तो आपको यही काम करना है। अगर आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको यही काम करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस इंक्वायरी है वो होता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डिवाइस है वो सक्सेसफुल कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे हमको स्कैन का ऑप्शन आ गया है, चलिए हम ओके पे, और यहाँ पे हमारा जो फिंगर मांग रहा है हमने फिंगर रख दिया, और कैप्चा सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे हमारा बैलेंस भी दिखा दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया। ऐसे आपको जो कि अपना मंत्रा का प्रॉक्सी सेटिंग में आपको कुछ नहीं इंटर करना है, बस उसको कट कर देना है, और आपको जैसा मैंने बताया नीचे सर्च बार में आकर
आपको सर्विस लिखना है। सर्विस लिखने के बाद दोस्तों, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे आकर आपको सर्च में सर्विस लिखना है और ऊपर सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, साइड में आपको किसी पे भी अपने माउस से क्लिक करना है और आपको अपने कीबोर्ड में एम को टाइप करना है। जैसे ही आप एम को टाइप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मंत्रा AVDM, और दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि हमारे केस में अभी स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने अभी चालू किया, तो ऐसा हमें ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए एक बार और हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब डाल के स्कैन करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पहली बार आपने अगर मंत्र डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपको कैसे करना है, इसके ऊपर में मैं एक वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्दी। आपको उसमें सभी जो भी इरर आते हैं आपको मंत्र डिवाइस को कनेक्ट करने में, वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है, उसमें कौन सा सेटिंग लगता है अगर आपका डिवाइस काम नहीं करता है, तो सब कुछ उस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से ही, और ताकि वो जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको उससे नॉलेज मिले, और आपको जब भी उससे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देखकर उस समस्या को हल कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्कैन फिंगर का भी ऑप्शन आ गया और हमारा फिंगर जो है वो स्कैनिंग हो रहा है। दोस्तों आपको कभी भी अगर प्रॉक्सी सेटिंग मांगता है तो आपको वहाँ पर कुछ फिल नहीं करना होता है, बस आपको नीचे सर्च बार में आना होता है और वहाँ पे आपको सर्विस लिखना होता है। सर्विस को लिखने के बाद आपको साइड में बहुत सारे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको किसी पे भी माउस से क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करना है। जैसे ही आप एम प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मंत्रा AVDM, वहाँ पे आपको स्टार्ट साइड में, जैसे कि मैंने दिखाया था साइड में स्टार्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो डिवाइस है आपको इसमें मंत्र डिवाइस को कनेक्ट करना है। अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो एक बार ज़रूर अपना जो कि है RD सर्विस और अलाइंट सर्विस को अपडेट कर लें। वहाँ से जाकर जैसे कि मैंने बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से जाकर आप एक बार डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल करें। वहाँ से आपका जो कि है आपका ड्राइवर और अलाइंट सर्विस है वह आपका लेटेस्ट वर्जन में आ जाएगा, और उससे जो कि आपका जो भी है कंप्यूटर लैपटॉप है वो काम करना चालू कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों आपको कभी भी मंत्रा से प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।